हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में दूसरा चैप्टर जो आपका होगा वो क्या होगा, सीमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर था वो क्या था, स्टोन था। स्टोन के बारे में डिटेल हमने आपको पढ़ा दिया पहले वीडियो में, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जो ये दूसरा वीडियो है वो किसके बारे में है, सीमेंट के बारे में। जो पहला वीडियो था वो किसके बारे में था, स्टोन के बारे में है। स्टोन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, टोटली सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए सीमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो आपका सीमेंट होता है, सीमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है, सीमेंट का जो मेन पर्पज़ होता है वो बाइंडिंग मटेरियल के लिए कार्य करता है, ठीक है। सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल के लिए होता है, और लाइम चूना भी बाइंडिंग मटेरियल के लिए होता है। पहले क्या होता था, बाइंडिंग के लिए लाइम का यूज़ करते थे, अब क्या है, बाइंडिंग पर्पज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में सीमेंट का मेन पर्पज़ क्या है, बाइंडिंग का, ठीक है। कभी भी जब हम कंक्रीट बनाते हैं, तो कंक्रीट बनाते समय हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। जो मेरे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड बालू लेते हैं, प्लस एग्रीगेट लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। इन तीनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। बट बाइंडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से बाइंडिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल पढ़ना है। सीमेंट इंजीनियरिंग कार्यों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि बाइंडिंग पर्पज़ के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब सीमेंट भी मेरे पास क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। सीमेंट कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा नेचुरल हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो मेरे पास कौन सा होता है, चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, प्लस क्ले होता है, ठीक है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर और क्ले की सहायता से हम क्या करते हैं, सीमेंट को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल पर्पज़ से हो गया। जो आर्टिफिशियल पर्पज़ हो गया, आर्टिफिशियल पर्पज़ में क्या होगा, जो भी हम इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे उससे हम क्या करेंगे, सीमेंट बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, मेरे पास लाइम हो सकता है, सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, आयरन ऑक्साइड, और आपका क्या हो सकता है, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सीमेंट का अनुप्रयोग, यानी कि कहाँ पे हम सीमेंट का यूज कर सकते हैं। सीमेंट का यूज हमारे पास कंक्रीट बनाने में पहला, सेकंड आपका कहाँ पे यूज हो सकता है, कहीं भी प्लास्टरिंग का वर्क होता है वहाँ पे हम सीमेंट का यूज कर सकते हैं, पॉइंटिंग के लिए हम सीमेंट का यूज कर सकते हैं, और बीम में, कॉलम में तथा स्लैब में हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट सीमेंट हमारा जो भी मटेरियल होगा, सैंड प्लस एग्रीगेट, क्या होगा, इनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए बाइंडिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है, सीमेंट होता है। तब जा करके हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण स्टार्ट करते हैं, प्लस वाटर कंपलसरी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, अगर ये वाटर की बात करें, तो वाटर की जो पीएच वैल्यू होगी वो हम कितनी लेके चलेंगे, न्यूट्रल तो हमारा 7 होता है, लेकिन जनरली लेके चलते हैं वाटर की पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में लेकर के चलते हैं, ठीक है। जो कंपोजिट है मेरे पास सीमेंट के, वो कौन कौन से हैं, लाइम हो गया,
जो सीमेंट के कंपोजिट है वो कौन कौन से हैं? पॉज करिएगा थोड़ा। जो आपके पास सीमेंट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, लाइम लाइम सिलिका एलुमिना कैल्शियम सल्फेट आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया, ठीक है, इनका जो केमिकल नाम है लाइम का CaO, सिलिका का SiO2, एल्युमिनियम का Al2O3, जिप्सम यानी कि जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं CaSO4, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और आपका एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं MgO बोलते हैं। ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट दिख रहा है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। ये आपके पास क्या होता है जिप्सम होता है, ठीक है। इनकी अलग अलग मात्रा होती है, लाइम का 62% होता है, सिलिका का 22%, एलुमिना का 5%, कैल्शियम सल्फेट का 4%, आयरन ऑक्साइड का 3% और मैग्नीशिया बोलिए या मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी जो मात्रा कितनी होती है 2%, ठीक है, एग्जैक्ट 2% नहीं होता है, वेरी कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अब इनका काम क्या है, जैसे मेरे पास लाइम क्या है, लाइम जो होता है लाइम हमको क्या प्रदान सीमेंट में क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। और अगर लाइम की मात्रा अधिक होगी, लाइम की मात्रा अगर अधिक होगी तो सीमेंट में क्या होता है एक्सपेंशन आता है यानी कि फैलाव आता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है सिलिका, जो मेरे पास सीमेंट होता है सीमेंट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है 22% होती है, ठीक है। सिलिका का मेन काम क्या होता है हार्डनेस यानी कि सामर्थ्य कठोरता प्रदान करता है और स्ट्रेंथ सामर्थ्य प्रदान करता है। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी जो भी सीमेंट होगा वो क्या होगा धीरे धीरे जमेगा, सेटिंग जो होगी वो क्या होगी धीरे धीरे होगी सिलिका। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है एलुमिना, आपको पता है एलुमिना का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है प्लस जो रिएक्शन होता है पानी के साथ सीमेंट का वो क्या होता है जल्दी से होता है, तो एलुमिना का काम आपका ये होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है मैग्नीशिया आता है, मैग्नीशिया का काम क्या होता है, ये सीमेंट में हार्डनेस प्रदान करता है, हार्डनेस मीन्स कठोरता और स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य को प्रदान करता है। अगर एलुमिना की मात्रा कम या ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेगा सीमेंट को इफेक्ट सीमेंट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा जिसके कारण क्या होगा जो भी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बालू एग्रीगेट और वाटर के साथ वो क्या होगा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है लॉ ऑक्साइड, लॉ ऑक्साइड का काम क्या होता है, ये सामर्थ्य प्रदान करने का काम करता है प्लस में कलर प्रदान करता है, क्या पहला सामर्थ्य प्रदान करता है और साथ में क्या करता है कलर, क्योंकि नाम ही क्या है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का काम ही क्या होता है रंग प्रदान करने के काम में आता है। नेक्स्ट आपका क्या है एक जिप्सम, जिप्सम जो होता है जिप्सम का मेन काम क्या होता है जिप्सम का काम होता है सेटिंग टाइम को क्या करना डिक्रीज करने के काम में आता है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है सीमेंट में अगर जिप्सम की मात्रा या जिप्सम ना मिलाया जाए तो जो सीमेंट हमारा होगा वो जल्दी से जमेगा, अगर सीमेंट जल्दी से जमेगा तो क्या होगा जो भी हमारे पास मटेरियल वो क्या हो जाएंगे हार्ड हो जाएंगे, जब हार्ड हो जाएंगे तो उसके बाद एक निश्चित समय के बाद सीमेंट का हम यूज या जो भी मेरे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं सीमेंट प्लस बालू प्लस गिट्टी प्लस वाटर उनका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए हम क्या करते हैं जिप्सम मिलाते हैं ताकि जो भी मेरे पास सेटिंग टाइम हो क्या बहुत लेट हो यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी के साथ और प्लस पानी के साथ जब रिएक्शन करे जो भी बाइंडिंग का कार्य करे वो क्या करे एक निश्चित समय के बाद करे जिसके कारण क्या होगी स्ट्रेंथ हमको अच्छी से प्राप्त होगी। इसलिए जो भी जिप्सम होता है जिप्सम की मात्रा सीमेंट में कितनी होती है 2-3% होती है। जिप्सम का मेन कार्य क्या होता है रिटार्डर, रिटार्डर का मतलब मंदक,
यानी कि सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना। जल्दी से सेट होगा सीमेंट तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बाद में हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास मटेरियल होगा उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम की जो मात्रा होगी वो कितनी होती है, 2 से 3% होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, जो रॉ मटेरियल मेरे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो मेरा कैलकेरियस मटेरियल होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है, आर्जिलिशियस मटेरियल होता है। कैलकेरियस मटेरियल का मतलब जिसमें लाइम यानी कि चूने की मात्रा होती है वो मेरा क्या कहलाता है, कैलकेरियस कहलाता है। और आर्जिलिशियस का मतलब क्या होता है, मृतिकामय, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा होती है, एल्युमिना की मात्रा होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्जिलिशियस मटेरियल कहलाता है। कैलकेरियस चूनेदार मटेरियल में क्या हो जाएगा, मेरे पास लाइमस्टोन आएगा, लाइमस्टोन 65 से 85% होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और चाक, चाक की चाक और समुद्री घोंघे होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 1.5 से 2% तथा सिलिका की मात्रा क्या होती है, 4%, और लौह ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 2% होती है। ये जो भी मेरे पास हैं ये सब क्या हैं, इंग्रेडिएंट हैं। सब किसके इंग्रेडिएंट हैं, वो कैलकेरियस मटेरियल के, क्योंकि कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें लाइम की मात्रा होती है, चूने की मात्रा होती है। आर्जिलिशियस जिसमें एल्युमिना की मात्रा होती है, तो एल्युमिना की मात्रा किस में हो सकती है, क्ले में हो सकता है, लैटेराइट मटेरियल में हो सकता है, और स्लेट में, चिकनी मिट्टी, स्लेट और सिलिका, इसमें क्या हो सकता है, एल्युमिना की मात्रा हो सकती है। वो हमारा कौन सा मटेरियल कहलाता है, आर्जिलिशियस रॉक कहलाता, आर्जिलिशियस मटेरियल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते कैसे हैं, तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला जो मेरे पास प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, ड्राई प्रोसेस होता है। दूसरा मेरे पास जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, वेट प्रोसेस, यानी कि गीली विधि होती है और सूखी विधि होती है। गीली विधि को क्या बोले, अच्छा माना जाता है। गीली विधि में क्या होता है, वाटर उपस्थित होगा, और ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, वाटर उपस्थित नहीं होता। इसलिए ड्राई जो मेथड होता है इसको बेटर नहीं माना जाता, जो मेरे पास वेट मेथड होता है इसको क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सीमेंट बनाने के लिए 2 मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइमस्टोन होता है, प्लस मेरे पास दूसरा क्या होता है, क्ले होता है। ड्राई के कंडीशन में, जब आपका वेट का कंडीशन आ जाएगा तो वेट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा। ड्राई के कंडीशन में क्या होता है, 65% हम लोग क्या लेते हैं, लाइमस्टोन लेते हैं, और क्ले कितना लेते हैं, 35%। ऐसा तो है नहीं, ये पाउडर फॉर्म में है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग करना पड़ेगा। लाइमस्टोन चूना पत्थर और क्ले को क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग करने के बाद क्या करेंगे, किसी हॉपर में ले जा करके दोनों को मिक्स कर देंगे। हॉपर में मिलाने के बाद इसको पिसाई के लिए हम कहाँ पर ले जाएंगे, किसी मशीन में ले जाएंगे। जो मशीन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, ग्राइंडिंग बाल मिल मशीन होती है। उसमें क्या करते हैं, पिसाई का कार्य करते हैं। पिसाई के कार्य करने के बाद इसको कहाँ पर ले जाते हैं, हम भट्ठे में ले जाते हैं। जो भट्ठा होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, रोटरी किल्न होगा। किल्न का मतलब क्या होता है, भट्ठा होता है। इस भट्ठे में जो कोयले का यूज करते हैं वो मेरे पास कौन सा कोयला होता है, पिसा हुआ कोयला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड कोल बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भट्ठे में जब जो भी मेरे पास मटेरियल है, कौन सा, लाइमस्टोन और क्ले का जो मिक्सर है, वो क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि जलाने का कार्य करेंगे। जब दोनों मटेरियल जलता है उस समय हमको क्या प्राप्त होता है, राख। जो राख प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं, ठीक है। राख प्राप्त होगा, राख प्राप्त होने के बाद उसको अलग जगह फिर क्या करेंगे, हम किसी स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर देंगे। फिर दोबारा क्या करते हैं, इसमें जब मेरा राख इकट्ठा हो जाएगा उसमें क्या करेंगे, जिप्सम मिलाते हैं। क्यों जिप्सम क्यों मिलाते हैं, ताकि जिप्सम का जो काम होता है वो क्या कि रिटार्डर का काम करता है, मंदक का कार्य करता है, ताकि जो भी सीमेंट की सेटिंग टाइम है वो क्या हो, धीरे हो, स्लो हो, ठीक है। क्लिंकर को हम कहाँ पर ले जाएंगे, ट्यूब मिल में ले जाएंगे, दोबारा पिसाई करने के लिए या मिक्स करने के लिए, किसके साथ, जिप्सम के साथ। इसीलिए हम किसको मिलाते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, दोनों मटेरियल यानी कि राख और जिप्सम दोनों को अच्छे से पिसाई के लिए मिला देते हैं। उसके बाद स्टोरेज टैंक में इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ से फिर क्या करते हैं, स्टोरेज करने के बाद उसकी पैकिंग करते हैं, उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। जो एक बैग
सीमेंट का जो एक बैग होता है वो कितने केजी का होता है? 50 केजी का होता है। सीमेंट का जो एक बैग होता है वो कितने केजी का होता है? 50 केजी का। ये आपका कौन सा मेथड था? ये आपका ड्राई मेथड था। जो वेट मेथड होगा, वेट मेथड में क्या हो जाएगा? आपका वाटर ऐड हो जाएगा। ये आपका कौन सा मेथड है? वेट मेथड है, मतलब गीली विधि। इसमें क्या है, 65% लाइमस्टोन है, 35% क्ले है और वाटर है, ठीक है। चूना पत्थर और क्ले, इनको हम दोबारा से क्या करेंगे, वेट मेथड में क्रशिंग मतलब तोड़ेंगे। क्रशिंग करने के बाद इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद किसी हॉपर में इकट्ठा करेंगे। जब किसी हॉपर में इकट्ठा करके उसको मिलाएंगे तो वहाँ से हमारा क्या होता है, थिक स्लरी यानी कि गाढ़ा घोल, एक तरफ से पेस्ट वहाँ पे मिलेगा। पेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि चूना पत्थर लाइमस्टोन प्लस क्ले दोनों के साथ हम क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, थिक स्लरी गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। गाढ़ा घोल वहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। जो मेरे पास थिक स्लरी होगा उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से रोटरी क्लीन यानी कि भट्ठे में ले जाएंगे। भट्ठे में ले जाने के बाद क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। जब जलाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे को क्या मिलेगा, क्लिंकर यानी कि राख मिलता है, ठीक है। इस राख में हम क्या करते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं। जिप्सम को मिलाने के बाद कहाँ पे ले जाते हैं, ट्यूब मिल में। ट्यूब मिल का काम क्या होता है, पिसाई का। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, जो आटा गूंथने वाली मशीन होती है, आटे में क्या करते हैं, पानी डाल करके आटा को गूंथते हैं ना, वैसे क्या होता है, ट्यूब मिल मशीन होती है जिसमें जिप्सम को डालते हैं और क्लिंकर और जिप्सम दोनों को क्या करते हैं, पिसाई करते हैं। पिसाई करने के बाद क्या करते हैं, इनका स्टोरेज, पिसाई करने के बाद इनका स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद वही प्रोसेस फिर से होगा, वेट करेंगे, पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद अगर आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं, मतलब पैसा ऐड करने के बाद पैसा कमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर होता क्या है, एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, हमको कंक्रीट जब भी बनाना रहेगा, एडमिक्सचर का मतलब कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बालू प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, इनके साथ हमको बाइंडिंग यानी कि इनकी बाइंडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीमेंट को मिलाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास मटेरियल है उसकी वर्कबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। इसलिए एडमिक्सचर के रूप में हम क्या करते हैं, सीमेंट को मिलाते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे रिटार्डर हो सकता है, एसिलेटर हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिसाइजर हो सकता है, ये डिफरेंट आपके क्या है, एडमिक्सचर है। पहला हमारा एडमिक्सचर जो होगा वो क्या होता है, एसिलेटर, त्वरक होता है। त्वरक का मेन काम क्या होता है, जहाँ भी हमको तराई का कार्य कम करना पड़े, क्योंकि कोई भी संरचना होगी आप देखते होंगे वहाँ पे तराई क्या होती है, मिनिमम 7 डेज, 21 डेज या 28 डेज की जाती है, जिसके कारण क्या हो, उस संरचना की जो स्ट्रेंथ हो वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे एडमिक्सचर के रूप में एसिलेटर मिलाना है। तो एसिलेटर का मेन पर्पज़ क्या होता है, जहाँ पे हमको क्यूरिंग तराई का कार्य कम करना पड़े और मैक्सिमम स्ट्रेंथ सामर्थ हमको पाना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिलेटर का कार्य करते हैं, एसिलेटर मिलाते हैं। एसिलेटर के रूप में मिलाते क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एसिलेटर के रूप में मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, रिटार्डर। रिटार्डर का मेन काम क्या होता है, मंदक का कार्य करता है। जो मेरे पास रिटार्डर होता है, रिटार्डर का काम क्या होता है, मंदक। रिटार्डर के रूप में मिलाते क्या हैं, जिप्सम मिलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। जिप्सम को इसलिए मिलाते हैं ताकि जो सेटिंग टाइम हो वो क्या हो, कम हो। सीमेंट की जो सेटिंग टाइम हो वो कम हो, सीमेंट की जो रिएक्शन हो पानी के साथ वो क्या हो, धीरे धीरे हो। क्योंकि अगर मान लो सीमेंट अगर सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि सीमेंट जल्दी से जम जाएगा। अगर मान लो आपको यहाँ पे सीमेंट का मिक्सर करना है, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे क्या करना है,
सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर के साथ सीमेंट को जब मिलाना है और यहाँ से मिलाने के बाद हमको मटेरियल को यहाँ से अगर 2-4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़े तो क्या होगा, यहाँ से ले जाने में कुछ ना कुछ प्रॉपर टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी। अगर जिप्सम नहीं होगा तो सीमेंट वहाँ पे जाते जाते जो भी मटेरियल है उनके साथ सेट हो जाएगा, जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीमेंट का यूज कर नहीं पाएंगे, जब सीमेंट का यूज कर नहीं पाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए क्या करते हैं जिप्सम मिलाते हैं ताकि सीमेंट की जो सेटिंग टाइम हो वो क्या हो, कम हो, यानी कि सीमेंट धीरे धीरे जमना शुरू हो, इसीलिए जिप्सम मिलाते हैं। तीसरा आपके पास क्या होता है, प्लास्टिसाइजर होता है। प्लास्टिसाइजर का मतलब क्या होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, इन सबका जब मिक्सर करेंगे, इनका मिक्सर करने के बाद जब वाटर मिलाते हैं तो वाटर को हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से मिलाते हैं, यानी कि वाटर ऐसा होना चाहिए ताकि होमोजीनियस हो, ऐसा भी ना हो कि पानी ज़्यादा हो, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग होने लगेगा, पानी कम हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा उतनी ही मिलाते हैं जिसके कारण क्या हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले, क्या मिले, मैक्सिमम हमको क्या मिले, सामर्थ्य मिले। इसलिए पानी की मात्रा उतनी ही मिलाएंगे जो मेरा मटेरियल हो क्या हो, होमोजीनियस हो। आप लोग सॉइल में पढ़ेंगे एक वर्ड आता है OMC, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल में जब आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पानी की वह मात्रा जिसके कारण पानी को हम प्रॉपर तरीके से उतना ही मिलाएं जिसमें हमको क्या हो, मैक्सिमम सामर्थ्य मिले, वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। वैसे यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लास्टिसाइजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, केमिकल। केमिकल का काम क्या होता है, केमिकल इसलिए मिलाते हैं ताकि कभी कभी क्या होता है, जो मेरे पास बालू है प्लस एग्रीगेट है प्लस सीमेंट है, इसमें क्या होती है, पानी की मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उस मात्रा को कम करने के लिए कुछ केमिकल को मिलाया जाता है जिसके कारण क्या हो, हमारा बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो, बाइंडिंग अच्छे तरीके से जब होगा तो उसका हम यूज भी अच्छे तरीके से करेंगे और मैक्सिमम सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, जिसके कारण कंक्रीट की वर्कबिलिटी भी हमारी क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, एयर इंट्रेनिंग। एयर इंट्रेनिंग का मतलब वायु प्रवेशी तत्व होता है। वायु प्रवेशी तत्व क्या होता है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट बनाते समय क्या करते हैं, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट बनाते समय क्या करते हैं, सैंड होता है प्लस एग्रीगेट होता है प्लस में आपके पास क्या होता है, वाटर होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एयर इंट्रेनिंग ऐसा मटेरियल होता है जो कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, एयर इंट्रेनिंग ऐसा मटेरियल होता है जो इनके साथ मिलाने पे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाए, कंक्रीट की वर्कबिलिटी अच्छी हो जाए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, कंक्रीट में हार्डनेस अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल होगा जो क्या करेगा, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज गुण में सुधार लाएगा, कंक्रीट की वर्कबिलिटी में सुधार लाएगा, कंक्रीट की हार्डनेस में सुधार लाएगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य में सुधार लाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, एयर इंट्रेनिंग मटेरियल कहलाता है। एयर इंट्रेनिंग के रूप में हम यूज क्या कर सकते हैं, डेरेक्स हो सकता है, पेट्रोसन हो सकता है और क्या हो सकता है, विंजोल रेजिन हो सकता है। ये मटेरियल हमारा क्या काम करेगा, एयर इंट्रेनिंग का काम करेगा, जिसके कारण कंक्रीट की जो सामर्थ्य होगी, प्रॉपर्टीज होगी, वर्कबिलिटीज होगी वो अच्छी होगी। मेन एक आपका पॉइंट आता है वर्कबिलिटी, सर होता क्या है, तो वर्कबिलिटी आपका होता है कंक्रीट को किसी भी तरह से आसानी से ढाला जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्कबिलिटी कहलाता है। कंक्रीट को किसी भी तरह से कंक्रीट का हम यूज आसानी से कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्कबिलिटी कहलाता है, ठीक है। फिलहाल अभी के लेक्चर में इतना ही, सीमेंट का भी जस्ट दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, तो दूसरे लेक्चर में आप जो बाकी के पोर्शन बचे हुए हैं सीमेंट में, टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कुछ टेस्टिंग है वो आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। सीमेंट का कुछ आपको हम फिगर भी दिखा देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।